बक्सवाहा पहुंचे जिले के एडिशनल एसपी विनोद सिंह ने कोरोना मामलों एवं हालातों का लिया जायजा, साथ ही पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे और लोगों से की अपील कि आप लोग घरों में रहें और सुरक्षित रहें। सड़कों पर पुलिस बल के साथ निकले अधिकारियों ने घूमते दिखे लोगों पर सख्ती दिखाते हुए उनको डांट फटकार लगाते हुए कहा कि हमें इस महामारी से बचना है तो घरों में ही रहना होगा, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करता दिखाई देगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक दुकान खुली मिलने पर उस पर 188 की कार्यवाही की गई। इस दौरान एडिशनल एसपी विनोद सिंह, त्रिलोक सिंह पुष्याम तहसीलदार और साथी में आशुतोष श्रोत्रिय और थाना प्रभारी हर्ष खरे सीईओ नगर परिषद स्टाफ मौजूद रहा। जो स्थिति है उनका जायजा दिया क्या? कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और कोरोना कर्फ्यू के निर्देशों का पालन करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। जनता को आह्वान किया गया है कि आपको घर के अंदर यानी रहना है और बिना काम के अनावश्यक बाहर घूमते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता को कोरोना से बचने के लिए खासतौर से मास्क धारण करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का जो है उनको बताया गया है। साथ ही साथ कोरोना जैसी महामारी को किस प्रकार से हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसकी संक्रमण की दर को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। मेरी बक्सवा थाना क्षेत्र के सभी निवासियों एवं गांव के लोगों से अपील है कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान के अंतर्गत, जिसमें कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा आम जनता से आग्रह किया गया है कि आप घर के अंदर रहिए, अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उस गांव में बने हुए आइसोलेशन सेंटर में रहिए। उसको सेल्फ आइसोलेशन ही एकमात्र इसका उपाय है जिसकी वजह से हम इस वायरस की चेन को तोड़ सकते हैं। मेरी सभी आम जनता से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तथा सैनिटाइजेशन का प्रयोग अत्यंत आवश्यक रूप से करना है ताकि इस चेन को तोड़ सकें। वॉइस ऑफ राइट्स के बक्सवाहा से मुकेश रावत की रिपोर्ट।